कैसे हैं दोस्तों? तो आज हमारा काम है दोस्तों प्रोड्यूसर कंपनी। आज हमने इस प्रोड्यूसर कंपनी को डिस्कस करना है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ये हमारा। तो आइए शुरुआत की जाए प्रोड्यूसर कंपनी की। जैसा नाम से ही जाहिर है दोस्तों, प्रोड्यूसर कंपनी इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, यानी जिस भी कंपनी का मोटिव, जिसका भी ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोडक्शन करना होगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, और ये सब लोग कुछ मिलकर एक कंपनी बनाना चाह रहे हो ताकि ये काम और बड़े लेवल पर किया जा सके, उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर कंपनी। और उनका ऑब्जेक्टिव जो है, आइए देखें किन चीजों से जुड़ा हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होगा वो पहचानना कि आखिरकार प्रोड्यूसर कंपनी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और कैसे कैसे कामों को हम प्रोड्यूसर की एक ख्याति देंगे, प्रोड्यूसर की एक उपाधि देंगे, भाई तुम प्रोड्यूसर हो इसीलिए तुम प्रोड्यूसर कंपनी खोल सकते हो, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो है प्रोड्यूसर कंपनी का, शैल रिलेट टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट। जब इतने सारे नाम याद करने की जरूरत पड़ेगी तो भाई हम याद कैसे रखेंगे, सवाल ये है। तो भैया ऐसा है, इन्हें याद करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रोडक्शन में क्या क्या आ रहा है, और ये हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, आइए देखें इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो दोस्तों जब मैं कहूंगा प्रोडक्शन, इसका मतलब ये हुआ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट। और एक बार प्रोडक्शन हो गई इसकी दोस्तों, तो अगला काम किसका होगा, हार्वेस्टिंग का। फसल पक गई, अब आप उसको हार्वेस्ट करिए, तो अगला पॉइंट हमारा ये हार्वेस्टिंग का है। फिर बात आती है प्रोक्योरमेंट की, कि किस तरह से वो जो हार्वेस्टेड गुड्स है उनको प्रोक्योर करके ले जाया जाएगा, राइट। ये सब प्रोडक्शन के कामों में आएंगे। फिर जो भी आपके पास हार्वेस्टिंग हुई थी, आपने उसको प्रोक्योर किया, अब उसको आपने पूलिंग करना है और हैंडल करना है, इकट्ठा करना है एक जगह, ये सब चीजें इस काम में आएंगी। उसके बाद ग्रेडिंग, जो भी सामान आपने बनाया, जो भी आपके पास फसल आई फॉर एग्जाम्पल, अब आपने किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, कैसे ग्रेड करना है, ये जो प्रोसेसिंग का काम है ये भी क्या होगा, प्रोडक्शन में आएगा दोस्तों, राइट। अब उसके बाद चीजें बन गई, जाहिर सी बात है उसकी मार्केटिंग भी होगी, उसे बेचा भी जाएगा, क्या ये बात ठीक है कि नहीं। तो जो भी पोर्शन आपकी मार्केटिंग का और सेलिंग का आ रहा है, लेन देन का आ रहा है, तो मेरे भाई ये भी क्या होगा, ये भी इसमें इंक्लूडेड माना जाएगा। अगर आपने उसे बना दिया गुड्स को और आगे एक्सपोर्ट कर दिया, तो जो एक्सपोर्ट है वो सब इसमें आएगा, जितने भी मेंबर्स होंगे इसके उनकी बात हो रही है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स, वो गुड्स या सर्विसेज जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी ही चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी बात हो रही है यहां पर, राइट। तो इसमें जो मेन कीवर्ड्स थे उनके बारे में मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आइए एक बार उस पॉइंट नंबर ए को दोबारा से पढ़ लिया जाए कि आखिरकार इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है दोस्तों। तो प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर बेनिफिट। दोस्तों इनमें से कोई भी काम हो, कोई भी, समझ लीजिएगा कि
ये सारा का सारा जो है क्या होगा, हमारे सामने पॉइंट नंबर ए को शो करेगा, और ये क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ऐसा काम करने वाले लोग प्रोड्यूसर कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन, उसके बाद हार्वेस्टिंग, फिर आपकी प्रोक्योरमेंट, पूलिंग, ग्रेडिंग, ये सब चीजें, हैंडलिंग, सब चीजें इसमें आ गई। ये बात यहां तक ही खत्म नहीं होती, जो हम अगला पॉइंट करने जा रहे हैं, ये सब चीजें भी अगर आपको कहीं नजर आए तो समझ लीजिएगा वो भी प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, वो लोग भी प्रोड्यूसर ही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई कंपनी हो। अब अगर इन सब में से कोई चीज आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे कि ये भी ऑब्जेक्टिव जो है मैच करता है और ये लोग प्रोड्यूसर कंपनी ओपन कर सकते हैं। आइए देखें क्या है, प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, वेंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, मेंबर्स की बात हो रही है दोस्तों यहां पर। अब क्या हो रहा है, सबसे पहला काम है प्रिजर्वेशन, कि आप कोई चीज बना रहे हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपका काम क्या है, चीजों को प्रिजर्व करना, यानी प्रिजर्वेटिव डाल के आप उसकी ऐसी पैकिंग वगैरह कर देंगे जिससे कि प्रिजर्वेशन हो जाएगी उस चीज की, जैसे अचार बनाए जाते हैं प्रिजर्व किया जाता है, लंबे समय तक उसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, कोई भी पैक्ड फूड जो है उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जूसेस जो आते हैं आपके कैन के, उन कैंड जूसेस में भी क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो लंबे समय तक ठीक रह सके। तो जो प्रिजर्विंग का काम है वो भी प्रोडक्शन में ही आता है, यानी ऐसा काम अगर आपका है तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ गए आप। अब अगली बात, ड्राइंग, आप देखेंगे जैसे यहां पर फिलहाल आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो मिर्चें सुखाई जा रही हैं, राइट, ये जो ड्राइंग के प्रोसीजर है, जरूरी नहीं है कि आप मिर्चों को ही सुखाएंगे, ऐसी न जाने कितनी आइटम्स होती हैं जिन्हें सुखा करके ही आप उनकी लाइफ बढ़ाते हैं और फिर उन्हें आगे आने वाले समय में बेचते हैं। तो ड्राई करके चीजों को बेचने का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट, एंड दिस इज ओनली वन ऑफ देम। तो माय डियर, अगर ऐसे काम भी आपको किसी इंडस्ट्री में नजर आ रहे हैं तो वो लोग भी प्रोड्यूसर कहलाएंगे, राइट, और वो लोग भी प्रोड्यूसर कंपनी ओपन कर सकते हैं। डिस्टिलिंग, जैसे देखते हैं आप लिकर बनती है, वो डिस्टिल के प्रोसेस से बनती है, राइट, तो ये बड़ी बड़ी मशीन्स जो आप देख रहे हैं ये डिस्टिलिंग का प्रोसेस है। उसके बाद डिस्टिलिंग के बाद होती है ब्रूइंग, तो वैसे तो कॉफी भी ब्रू की जाती है, उसी तरह से लिकर को भी ब्रू करने का प्रोसेस है। और ये जो आप देख रहे हैं सब मीटर्स आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, ये मीटर्स और ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है यहां, इसी को, इसके अंदर, इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर जो है इस ब्रूइंग का प्रोसेस होता है। और ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो उन लोगों का मैनेज करने का काम है कि ब्रूइंग प्रोसेस सही तरीके से होता रहे, ये सब प्रोडक्शन में आएगा दोस्तों। फिर आती है अगली कहानी, वेंटिंग की कहानी। आपने वेंटिलेटर सुना होगा, वेंटिलेशन भी सुना होगा कि यार यहां पर ना वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी फ्रेश एयर की कमी है। अब प्रॉपर वेंटिलेशन होता है तो क्लीन एयर आती है, क्लीन एयर जाती है, तो इसका मतलब एयर आपकी कंटेमिनेटेड नहीं होगी। तो कंटेमिनेशन चीजों में आ सकता है जहां पर भी एयर मौजूद होगी, राइट। अब आपने कभी चिप्स का पैकेट अगर खोला हो, खोलने से पहले जब आप उसे हाथ लगाते हैं तो काफी भरा हुआ सा नजर आता है, राइट, लेकिन अगर उसे हिलाएं तो जरा से चिप्स है और पैकेट फूला हुआ है, ऐसा होता है, नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जब उस चिप्स के पैकेट को पैक किया गया, सील किया गया, तो उस समय जो चिप्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ग्राम्स हैं, जितनी भी क्वांटिटी है, उसके साथ साथ एयर की क्वांटिटी भी है। मान लीजिए उसको पैक करते समय कंटेमिनेटेड एयर है उस समय आसपास की, बताइए क्या होगा,
क्या जो प्रोडक्ट अंदर उसके है, जो चिप्स का पैकेट है, उसके अंदर कंटेमिनेटेड एयर के साथ वो पैक हो जाए, तो जरा बता दीजिए मुझे, क्या चिप्स लंबे समय तक टिक पाएंगे, या जब उसे ओपन किया जाएगा तो क्या वो खाने लायक होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से जूस के कैंस फिलअप किए जाते हैं, फिल करने से पहले कोई भी चीज खाली नहीं होती। अगर एक बॉक्स है, एक कैन है, आप कहें ये तो खाली है, ये देखिए खाली है, ये वो खाली नहीं है मेरे दोस्त, वहां पर एयर है, एयर भी जगह घेरती है। तो क्या किया जाएगा, जब उसमें जूस आप डालेंगे तो उस समय कुछ हिस्सा जूस रहेगा और कुछ हिस्सा एयर का रहेगा। अगर उसे कैप कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर वो एयर कंटेमिनेटेड उसके साथ चली गई तो अंदर के प्रोडक्ट को भी खराब कर देगी। इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से करने के लिए कि कंटेमिनेटेड एयर ना जाए, उसे कहा जाता है वेंटिंग। क्या कहा जाता है उसे? वेंटिंग। तो जो भी आप ये इस वक्त प्रोसीजर देख रहे हैं, बॉटल्स में कंटेंट को फिलअप किया जाएगा, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक ही फिलअप की जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, तो ऐसी पोजिशन में यहां पर वेंटिंग का प्रोसीजर साथ साथ चल रहा है कि जब उसकी पैकिंग होगी तो उस समय वेंटिंग लगातार होती रहे, उसके अंदर कंटेमिनेटेड एयर न जाए। ये प्रोसेस भी डेफिनेटली प्रोडक्शन का है। इसके बाद कैनिंग, आप देखिए ये कैन्स आपको नजर आ रहे हैं और ये प्रोडक्ट इसमें जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, राइट? जो भी प्रोडक्ट है वो यहां से आपको इसमें जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये रहा वो ऊपर का मशीन का हिस्सा जहां से निकल के वो इन कैन्स में फिल हो रहा है। कैन यू सी दैट? और उसके बाद बहुत सारे कैन्स की लाइन भी है, जैसे ही ये चार कैन्स फिलअप होंगे ये नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे सील पैक होने, और ये अगले चार इनकी जगह ले लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर कैनिंग एंड पैकेजिंग का काम साथ साथ हो रहा है, राइट? ये भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, चाहे आप प्रिजर्विंग की बात करें, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रिविंग, वेंटिंग, कैनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। बार बार ये बात की जा रही है ऑफ इट्स मेंबर्स, बिकॉज इस प्रोडक्शन कंपनी में कम से कम 10 लोग चाहिए होंगे, 10 और मोर लोग मिलकर ही प्रोड्यूसर कंपनी बना पाते हैं, राइट? तो उसके बारे में बातचीत हम बाद में करेंगे। बट ये जो सारा का सारा काम हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? अपने मेंबर्स के लिए हो रहा है, राइट? तो जो लोग ऐसी पोजिशन में होंगे कि जी मैं तो सिर्फ फ्रूट जूस बनाता हूं, उसको बनाता हूं, प्रोसेस करता हूं, प्रिजर्वेटिव्स डालता हूं, लेकिन पैकेजिंग का काम मैं नहीं करता, क्या किया जाए? तो हमने कोई ऐसी प्रोड्यूसर कंपनी बना ली जिसमें उन लोगों को मेंबर बना लिया जो कि हमारी एंशलरी इंडस्ट्री है, राइट? उनको ही साथ में जोड़ लिया ताकि हम एक दूसरे को फायदा पहुंचा पाए, राइट? तो इस तरह से क्या होगा कि ये आपस में मेंबर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। डेफिनेटली इस चीज को बनाकर बेचेंगे तो बाहर वालों को ही, लेकिन ये मेंबर्स क्या कर रहे हैं, आपस की चीजों को ही क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उन चीजों में अपना इनपुट, अपना वैल्यू एडिशन करने की, राइट? सो अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट पर, मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल मेनली टू इट्स मेंबर्स। यानी मशीनें भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, बेचेंगे भी, जनरली अपने मेंबर्स को ही बेचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इनके मेंबर्स ही सब कुछ खरीदते रहेंगे, तो भैया प्रॉफिट कमाने के लिए बाहर वालों को भी बेचना पड़ेगा, डेफिनेटली। बट मेनली टू इट्स मेंबर्स। अब इसमें क्या क्या आएगा, मैन्युफैक्चर की बात करें, जैसे यहां कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दोस्तों, मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, राइट? और उन्हीं मशीनों को, उन्हीं इक्विपमेंट को बेचा भी जा सकता है, जैसे कि ये एक मशीनरी है, इसको बनाने का काम हो रहा है और फिर इसे बेचने का काम हो रहा है, राइट? सब इसमें इंक्लूडेड आएगा, ये सब लोग प्रोड्यूसर कहला सकते हैं। तो ये सी पार्ट जो आपने किया वो क्या था, मैन्युफैक्चर, सेल और सप्लाई ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल मेनली टू इट्स मेंबर्स। बार बार ये बात समझिए। फिर प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस
प्रिंसिपल्स टू इट्स मेंबर्स एंड अदर्स, कि भैया किस तरीके से हम आपस में मिल करके एक दूसरे की सपोर्ट बन के हम किस तरह से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और उस चीज की एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं ये लोग, वो भी क्या आएंगे, प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, राइट। देन रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है जी, आइए इसको समझें कि रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज का मतलब क्या। अब ये मशीन खराब हो जाती है तो भाई टेक्निकली उसको करेक्ट करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए हो सकता है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, जो उसमें एक्सपर्ट होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं इसमें, तो ये लोग टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कौन सी सर्विसेज आ सकती है, कंसल्टेंसी की। कंसल्टेंसी फाइनेंस से जुड़ी भी हो सकती है कि देखो जी आपकी सेल की ये पोजीशन है, इतना पोर्शन लगातार मान लीजिए घट रहा है या बढ़ रहा है, किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप फाइनेंस की चीजों को, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी इसमें आएंगी, तो प्रोड्यूसर कंपनी के पार्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है। ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें एक पार्ट हो सकता है, कई लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे होंगे, जैसे नई मेडिसिन बनाई जाए, राइट। तो अगर किसी भी तरह से इन पार्ट्स में कोई चीज नजर आए, ये लोग मिलकर अपना ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं कि हम टेक्निकल सर्विसेज देंगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल अदर एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, राइट। तो ये दोस्तों हमारे सामने कहानी है उन ऑब्जेक्ट्स की, जिनको करते करते आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जा सकती है। अब अगला का जेनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये तो आपने कई बार पढ़ा है। अगली बात है रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, शायद आपने ये पढ़ा ना हो, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। देयर यूज, कंजर्वेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए समझें। तो जेनरेशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेनरेशन कैसे होती है दोस्तों पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये आप जानते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं, विंड एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, यहीं से आप क्या करते हैं, जेनरेशन करते हैं पावर की, ठीक है जी। इसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी बना ली आपने, अब उसको ट्रांसमिट भी करना है, तो भैया ट्रांसमिशन के बिजनेस में अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये भी क्या होगा, आप इस काम के लिए भी अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। क्या ये बात समझ आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों, ये है हमारा ट्रांसमिशन का काम। आगे चलते हैं जी, अब डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी आ गई कि कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जरा दोबारा देखिए, आपने सबसे पहले पावर प्लांट में क्या किया, सबसे पहले आपने बनाई ये एनर्जी, फिर आपने ट्रांसमिट की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस डाल करके, वो एक पावर सबस्टेशन पर गई और वहां से आपने घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज में इस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा, हमने सीखा किस तरीके से बिजली बनाई जाए, फिर किस तरह से ट्रांसमिट की जाए, वहां से सबस्टेशन तक लाई जाए, और उसके बाद किस तरीके से घरों में उस बिजली को पहुंचाया जाए, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो फैक्ट्री ओनर हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये सब काम ऑब्जेक्ट बताता है आपको किसका, प्रोड्यूसर कंपनी का। अब रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, आपने एक एड बहुत देखी होगी, रिवाइटल जियो जी भर के, सुने नहीं, तो रिवाइटल का मतलब क्या है कि भैया अपनी खोई हुई एनर्जी वापस पाए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी एनर्जी कम होती जाती है, आप जल्दी थकने लगते हैं, आप सुबह सुबह
बचपन में खेलने भी जाते थे, स्कूल भी चले जाते हैं, कॉलेज भी चले जाते हैं, पूरे दिन एनर्जी रहती है, फिर आते हैं, फिर दोस्तों के साथ खेलने निकल गए, फिर आए घर पे पढ़ाई की, फिर एनर्जी आपके पास है, आप थोड़ा सोकर भी एनर्जेटिक हो जाते हैं, लेकिन अपने पिताजी को देखेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि इनमें उतनी एनर्जी नहीं है जितनी मुझ में है। दैट इज बिकॉज ऑफ एज। उसी तरह से जिस तरह से एक ह्यूमन की एनर्जी कम हो सकती है, उसी तरह से लैंड की और वाटर की जो एक्चुअल एनर्जी है वो भी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंटेमिनेट कर दिया हमने उसे। नेचर उसकी एनर्जी को कम नहीं करती, नेचर तो हमेशा उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी, लेकिन हम जैसे लोग करते क्या हैं, गंगा को गंदा कर दिया, यमुना को गंदा कर दिया, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आया सब उसमें, जो गंदा आया उसमें गंदा नाला बना के रख दिया। अब उसकी सफाई करने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपया चाहिए भाई। यस, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए उसके अंदर जितना भी कंटेमिनेशन है पहले उसे हटाना पड़ेगा, गंदगी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें क्लीनलीनेस आनी शुरू होगी, वो भी एकदम नहीं आएगी, उसको रेगुलरली क्लीन करना पड़ेगा। सिर्फ उस वाटर को क्लीन करने की जरूरत नहीं है, उसके आसपास के लैंड को भी क्लीन करने की जरूरत है। लैंड भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। लैंड कैसे कंटेमिनेट होता है, मान लीजिए एक जगह कूड़ा ही कूड़ा आप भरते रहिए बस, और उसको एक हिल बना दिया आपने, कूड़े की हिल बन गई। अब उस कूड़े के अंदर ही इतनी गंदगी है कि ऐसी ऐसी गैसेस निकलने शुरू हो जाएंगी कि उस लैंड की अगर कोई फर्टिलिटी होगी भी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आपने ऊपर से कूड़े का ढेर हटा दिया, तब भी उस लैंड में से न जाने कितनी स्मेल आती रहेगी। आप कहेंगे अब तो कूड़ा हटा दिया भाई, अब किस बात की स्मेल, वो उसके जीन्स में चली गई, उस एरिया के मिट्टी के जीन्स में चली गई वो। अब उसे कैसे करना पड़ेगा, न जाने कितनी डिगिंग करनी पड़ेगी उसको रिवाइटलाइज करने के लिए, उस लैंड को फिर फिल करना पड़ेगा और उसको हरा भरा बनाने के लिए या किसी भी और तरीके से यूज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंपनीज हैं जो ये सब काम करती हैं, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है दोस्तों। तो आप अगर ध्यान दें तो ये वॉटर है, ये उसके आसपास का लैंड है, और ये आप देख रहे हैं कि उस वाटर की तरफ जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है, ये कोई डूबे ना तो ये उसके लिए कुछ ग्रिल टाइप बनाई हुई है, और ये प्रोजेक्ट है कि भाई इस नदी को हमें साफ करना है। उस नदी के साथ साथ ये एरियाज जो है जो गंदे हुए पड़े हैं उसको भी क्लीन करना है, इस तरीके से बनाना है, ये आसपास के लैंड को भी हमें अच्छे तरीके से बनाना है, रिवाइटलाइज करना है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। पहले ये पोजीशन थी, आप देख सकते हैं इसके सामने क्या हालत हुई पड़ी है। अब इसको ठीक इस बिल्डिंग के सामने क्या किया गया है, उसको रिवाइटलाइज करके एक नया रूप दिया गया है। खराब जगह को अच्छा बनाना, खराब चीज को ठीक करना, उसी तरह से आप ये पोर्शन देख लीजिए, उसको किस तरह से प्रॉपर रोड में तब्दील कर दिया, आसपास ट्रीज लगाए गए, इसी को रिवाइटलाइजेशन कहते हैं। ये सब काम प्रोडक्शन में आता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या क्या पढ़ा, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, देयर यूज, अब यूज भी करना है, ये नहीं एक बार बना के छोड़ दिया, उसको कंजर्व करने की भी जरूरत है, एंड कम्युनिकेशन रिलेटेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूस, यानी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि अब साफ तो भैया हमने एक बार कर दिया, अब लगातार साफ उसे कैसे रखें, ये भी तो जिम्मेदारी है। अगर एक दिन आप गंदे लगातार मान लीजिए 100 दिन तक नहीं नहाए तो बहुत गंदे हो जाएंगे, अब पता चला जी अगले दिन आपको बिल्कुल रगड़ रगड़ के नहला दिया गया, 101वें दिन बिल्कुल चमकाकर आपको सामने पेश कर दिया गया नहला धुलाकर, अब फिर 100 दिन तक आप नहीं नहाएंगे तो क्या हालत होगी, राइट? तो अब आपको बताया जाएगा भैया आपको रोज नहाना है,
रोज अपना ख्याल रखना है। तो कुछ ऐसा ही है कम्युनिकेशन कि भाई अब आपको इसे वापस ठीक रखने की जरूरत है। राइट, तो मेरे भाई ये था हमारा इस प्रोड्यूसर कंपनी का अगला पॉइंट। फिर आती है बात इंश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स और देयर प्राइमरी प्रोड्यूस। मान लीजिए आपने फसल उगाने के लिए बीज डाले, बरसात नहीं आई तो फसल खराब हो गई, या फसल उग गई लेकिन इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि आपकी बनी बनाई फसल खराब हो गई। तो आप देखेंगे सरकार आज की डेट में क्या क्या कर रही है, आपकी फसल की भी इंश्योरेंस कराती है। अगर आपको ये ना मालूम हो तो आज की डेट में सरकार ने रिसेंटली फसल बीमा योजना निकाली है, जिससे जितने भी किसान हैं उनकी क्रॉप का बीमा हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, और अगर किसी कारणवश वो खराब हो जाए तो उनकी इंश्योरेंस का पैसा उन्हें मिल जाता है। क्या ये बात समझ आई? और हमारे इस रिवाइटलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गुजरात में है। गुजरात में जो रिवर है, अगर आप जाके देखेंगे तो पीपल कंपेयर इट विद थेम्स के थेम्स जितनी क्लीन है उतना ही क्लीन इसे रखा है। राइट, तो आप एक बार उस चीज को देखेंगे तो उसे भी रिवाइटलाइज किया गया था। देन प्रमोटिंग टेक्निक्स ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। आपस में जितने भी मेंबर्स हैं प्रमोट करना है कि सब एक दूसरे की हेल्प करो, एक के पास टेक्नोलॉजी है दूसरे के पास नहीं है तो उसको समझाओ कि आप इसे किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट को पेश कर सकते हैं। अगर किसी के पास ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है तो दूसरा व्यक्ति उसे ट्रेन करने के लिए हेल्प करे, इसे कहते हैं म्यूचुअल असिस्टेंस। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कंपनी बनाएंगे तो दोस्तों कहलाएगी क्या? प्रोड्यूसर कंपनी। आप बना सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के साथ। फिर वेलफेयर मेजर और फैसिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। राइट, तो सबका वेलफेयर होना चाहिए, जितने ही मेंबर्स हैं उन सबको फैसिलिटीज मिले, बेनिफिट्स मिले, ये सब काम करने के लिए ही इस प्रोड्यूसर कंपनी को बनाया गया। तो दोस्तों बनाई कैसे गई, ये भी आपको बात समझ में आई। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच आर एंसिलरी और इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द एक्टिविटीज विच आर एक्चुअली एक्सप्लेन्ड अबव, उनसे जुड़ी हुई सारी की सारी एक्टिविटीज म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल असिस्टेंस के साथ, कोई भी अगर काम होगा, कोई भी ऐसा काम जो ऊपर मेन एक्टिविटीज दी हुई है और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटी निकल के आती है वो भी इसमें कवर होगी। फिर आपने अभी तक ये सब काम तो देख लिया, प्रोक्योरमेंट किया, सब कुछ किया, बट अगर उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उसकी फाइनेंसिंग भी दोस्तों इसी में इंक्लूडेड है। राइट, तो अगर मैं कहूं प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और अदर एक्टिविटीज जो भी ऊपर दी है, अगर उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी, जो कि पड़ेगी, तो दोस्तों उस पैसे को अगर प्रोवाइड करवाना हो वो भी इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोड्यूसर कंपनी का मेजर काम। और ध्यान रखिए, एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल डील प्राइमरीली विद द प्रोड्यूस ऑफ इट्स एक्टिव मेंबर्स, उन्हीं से जुड़े हुए ये काम करेगी और अपने ऑब्जेक्ट्स जो कि इस सेक्शन में दिए गए हैं उन्हें पूरा करेगी। राइट, अब रजिस्टर करने के लिए मैं आपको शॉर्ट में कुछ बता देता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 10 और मोर इंडिविजुअल्स भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर होने चाहिए, या दो से ज्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर इंडिविजुअल्स एंड प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा प्रोड्यूसर कंपनी का काम। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।